हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैं डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंज करूं तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 101 101 वीवीए माइक्रो सैंपल कोड की, जो कि ये 13वां कोड वीडियोज है। सारे वीडियोज के लिए मेरा चैनल चेक कीजिए, और पूरी कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की कंप्लीट वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ऐप दिख जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए जहां पे सारे वीडियोज आपको मिल जाए। साथ में आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आज रात हम लोग एक नई बैच शुरू कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का। रात को 9 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार जान ले, मुझे प्रोग्रेस एक बार हम समझ लेते करना है क्या है। जैसे मैं कुछ भी टाइप करूं एक्सेल सीट में तो मेरा फाइल ऑटोमेटिक सेव होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए। तो कैसे करें? तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली करने वाला काम जो होता है इवेंट का होता है, मतलब आप कुछ करें उस पर एक्शन का रिएक्शन हो वो इवेंट होता है। तो इवेंट जिस ऑब्जेक्ट पे करना चाहते हैं इवेंट उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। सीट वन पे करना है तो सीट वन पे ही अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम जाते हैं व्यू, राइट क्लिक करते सीट नेम के ऊपर, राइट क्लिक किया और चले गए व्यू कोड में। व्यू कोड में गए और यहाँ सिलेक्ट करना है वर्कशीट, यहाँ सिलेक्ट करना है सिलेक्शन चेंज के जगह पे चेंज। सिलेक्शन चेंज के जगह पे क्या किया हमने, चेंज कर लिया। अब यहाँ हमने क्या लिखा, यहां लिखा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, जस्ट सेव, एक सिंगल लाइन लिखना है। तो अब देखेंगे, आप देखिएगा जैसे मैं कुछ टाइप करके यहां पे सेविंग का ऑप्शन आएगा, एंटर किया तो देखिए सेव हुआ। थोड़ा सा आपका माउस हिल रहा होगा, देखिए एंटर मारते ही हल्का सा ये आपको ऑटोमेटिक सेव कर देता है। यहां पे आप देखेंगे तो ये सेविंग बहुत ही स्पीडली चलेगा और सेव हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि हम कहीं कुछ भी करते हैं तो सेव होता है, और किसी भी सेल पे करेंगे तो सेव होगा। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे यहां पे ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे ही वर्क हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि A1 से लेके H20 तक मैं कहीं टाइप करूं तो सेव हो जाए। तो यहां पे इफ कंडीशन लगा रहा हूं, मैं दूंगा यहां पे इफ इंटर सेट और इसके अंदर टारगेट, जहां टाइप करते हैं उसको टारगेट कहते हैं। देखिए टारगेट डिफाइन है कि टारगेट, और यहां पे मैंने ले लिया रेंज, रेंज A1 से लेके CH H10। यहां पे क्लोज किया, इज नथिंग दैट, यहीं पे एग्जिट सब बंद हो जाए, कुछ ना करे। एल्स के अंदर में हम बोले सेव करता है यहां पे एंडिंग। अब यहां देखिए कि अगर यहां पे कुछ टाइप करते हैं तो मेरा डेटा सेव हो गया। ये चीज हमने यहां पे लिया, तो ये चीज आप यहां पे कर सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास लेने के लिए मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।